you all are fine. Now today I am going to teach standard 8 chapter number 3 synthetic fiber in plastic. Okay, we have already learned the two chapters, chapter number 1 that is the crop production and management, and chapter number 2 that is the microorganisms. I hope you all understand that chapter very well. Now we will further going to start the chapter number 3. Okay, तो जैसे कि चैप्टर नंबर 3 में हमने चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा बहुत पार्ट हमने पढ़ लिया था स्टैंडर्ड 7th में. ओके, जिसमें चैप्टर का नाम था फाइबर टू फैब्रिक. ओके, तो फाइबर टू फैब्रिक में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स पढ़े थे और उसमें से फैब्रिक कैसे बनाते ये हमको ऑलरेडी आइडिया था. वो भी चैप्टर नंबर 3 था, राइट? तो हमने बेसिक क्या पढ़ा था, हमने उसमें थोड़ा बेसिक पढ़ा था. अब हम यहाँ पे थोड़ा डीप में पढ़ेंगे. ओके, तो बेसिक हमने ये पढ़ा था कि फाइबर्स जो होते, ठीक है. तो चलो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को पॉइंट एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये चैप्टर भी आगे के दो चैप्टर के तरह इतना टफ नहीं है, क्वाइट इजी है. ओके, सो हम साथ में पढ़ेंगे और इजी कर देंगे ये चैप्टर को भी. देखो हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, जैसे हमें हर चैप्टर को पॉइंट वाइज पढ़ा दिया जाता है, ये चैप्टर को भी हम पॉइंट वाइज ही पढ़ेंगे. फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, थर्ड क्या पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, फिर जो सिंथेटिक फाइबर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसमें कैसे कैसे कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं. फिफ्थ हम पढ़ेंगे प्लास्टिक, सिक्स्थ में हम एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक, एप्लीकेशन मीन्स यूजेस ऑफ प्लास्टिक. ओके, सेवन्थ में हम सेवन्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक किस किस टाइप के कैरेक्टर के पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं. एंड एट, प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट, प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट के साथ क्या क्या करता है. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हम ये चैप्टर में कवर करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन. क्या है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज फाइबर. देखो फाइबर जो है वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. ओके, नेचुरल होते, सिंथेटिक होते, ये आप लोगों को आइडिया है, नेचुरल फाइबर्स होते, सिंथेटिक फाइबर्स होते. ओके, देखो फाइबर से हम हमारे जो घर में कपड़े पहनते दैट इज द फैब्रिक, ये हमारा क्या फैब्रिक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक पहनते. वी आर वेयरिंग कॉटन फैब्रिक, वी आर वेयरिंग सिल्क फैब्रिक, दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक आर मेड अप फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स. ओके, जो हमारे घर में हाउस होल्ड आर्टिकल है, अलग अलग चीजें जो बनी हुई होती है, उसमें से बहुत सारे आर्टिकल होते हैं जो फाइबर से बने हुए होते हैं, राइट? तो फाइबर्स मेनली कितने टाइप के होते हैं, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक. ओके, पहले नेचुरल पढ़ लेते हैं. नेचुरल में क्या क्या होता है, सिंथेटिक में हम ये कवर कर लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो हमारा सेकंड पॉइंट भी कवर हो जाएगा. देखो नेचुरल फाइबर में आप लोगों को नेचुरल नाम से ही पता चल जाएगा, जो चीजें हमको नेचुरली मिल जाती है डायरेक्टली पेड़ पौधे से, एनिमल से, उसको हम नेचुरल बोलेंगे. ओके, तो जो पेड़ पौधे से, एनिमल्स वगैरह में से हमको जो फाइबर्स मिलते हैं उसको हम बोलेंगे नेचुरल फाइबर. ओके, तो नेचुरल फाइबर कितने टाइप के, ज्यादातर मोस्टली हम पढ़ते हैं दैट इज टू टाइप, दैट इज द प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर. कौन सा फाइबर, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर. अगेन प्लांट फाइबर में हमने एक दो पढ़ लिए थे, जिसे हमने सेवन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था कि कॉटन जो है वो प्लांट फाइबर है, वो हमको कॉटन प्लांट में से मिलता है. फिर और एक एग्जांपल हमने देखा था जूट, जूट जो है जिससे हम गनी बैग्स वगैरह बनाते हैं, तो वो भी हमको जूट प्लांट में से मिलता है. किसमें से, जूट प्लांट के स्टेम में से हमको वो फाइबर मिलता है. तो वो सब किसके एग्जाम्पल है, प्लांट फाइबर के. कौन सा, कॉटन एंड जूट. ओके, एनिमल फाइबर में हम देखा जाए तो एनिमल फाइबर में हमको अलग अलग टाइप के एनिमल्स में से भी फाइबर मिल सकता है. जैसे हम लोगों को वूल चाहिए, वूल जो कपड़ा हम वूलन क्लॉथ जो हम सर्दी में पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए, तो वो हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल्स के फर में से, एनिमल्स की स्कीन में से. कौन से एनिमल्स यूज होते, जैसे कि गोट है, याक है, शीप है, कैमल, रैबिट, ये सारे एनिमल्स है जिसमें से हमको वूल मिलता है. तो सॉरी, एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे वूल. क्या लेंगे, वूल. और आप
देखो ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, कॉटन है, कॉटन प्लांट में से जूट है, वो जूट प्लांट में से वूल में आप लोग एनिमल्स के नेम लिख सकते हो, सिल्क आप सिल्क वर्म लिख सकते हो, ओके राइट। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो हमने टाइप्स जो ये सारे आप लोगों के बुक में एग्जाम्पल ले दिए, बट आप लोगों को एक बार रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वापस आइडिया आ जाए। तो ये सारे आप लोग किस तरह से पॉइंट वाइज अपने बुक में बना के लिख सकते हो, नेचुरली तो पता चल गया ओके कि नेचुरली क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द सिंथेटिक फाइबर। क्या है सिंथेटिक फाइबर, तो वो हम इसमें कवर कर लेते हैं। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, तो मैं डेफिनेशन बना के आप लोगों को लिखा देती हूँ, वो आप लोग लिख लो। फाइबर विच इज ऑब्टेन, सॉरी नॉट ऑब्टेन, क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स थ्रू केमिकल्स, थ्रू केमिकल्स इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ओके देखो यहां पर मैंने डेफिनेशन एक बना दी, ये डेफिनेशन आप लोग अपनी बुक में लिख लेना ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए। देखो डेफिनेशन में क्या है, फाइबर्स विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग, जो फाइबर ह्यूमन बींग क्रिएट करते हैं, कौन क्रिएट करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं। कहां पे क्रिएट करते हैं, लेबोरेटरी में। कहां क्रिएट करते हैं, लेबोरेटरी में। किससे क्रिएट करते हैं, केमिकल्स से। उसमें हम केमिकल प्रिपरेशन करके, उसमें हम केमिकल्स डाल के जो नया फाइबर बनाते हैं वो फाइबर्स को हम नाम देंगे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक या तो हम मैनमेड फाइबर भी बोल सकते हैं, जो चीजें आर्टिफिशियली मिलती हैं हमको, जैसे कि हम आर्टिफिशियल मैनमेड बोलते हैं, वही फाइबर को हम बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर। ओके तो फाइबर विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग थ्रू केमिकल्स इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ओके ये पॉइंट आप दोनों कवर लिख लो अपनी बुक में, फिर मैं आगे आप लोगों को सिंथेटिक फाइबर एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोग पोस्ट करके, वीडियो पोस्ट करके ये नेचुरल एंड सिंथेटिक नोट बुक में नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखो स्टूडेंट ये जो सिंथेटिक फाइबर है वो जैसे कि अलग उसको हम वो जो फाइबर है उसका एक नाम है, वो छोटे छोटे यूनिट से बने हुए। देखो आप लोगों की बुक में ऐसे इस तरह से पेपर क्लिप्स बनाए हुए हैं, आप लोग देखोगे तो इस तरह से पेपर क्लिप्स बनाए हुए हैं। ओके ठीक है, ये पूरा राउंड चेन है जो किससे बना हुआ है, पेपर क्लिप्स से, राइट। और एक इस तरह से नेकलेस बनाया हुआ है जो बीड्स से बना हुआ है, लाइक पर्ल जैसा दिख रहा है, पर्ल मोती होता है ना, मोती उस हिसाब से नेकलेस बनाया हुआ है इस तरह से, राइट। इस तरह से कुछ नेकलेस बनाया हुआ है जो बीड्स से बना हुआ है, बीड्स, और एक पेपर क्लिप से इस तरह से पेपर क्लिप को ज्वाइंट कर करके एक चेन बनाया हुआ है। ओके तो ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल ये बीड है, बीड का नेकलेस है। ओके तो ये एक बीड है ना, ये एक बीड, उसको हम क्या नाम देंगे, मोनोमर। क्या बोलेंगे, मोनोमर। ओके क्या बोलेंगे, मोनोमर। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर से वो भी इस तरह से चेन में, मोनोमर की चेन में बना, ये तो सिर्फ एग्जांपल है, ये कोई सिंथेटिक फाइबर नहीं, ये समझाने के लिए आप लोगों को दिया है बुक में कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो इस तरह से चेन में बने हुए होते हैं, और उसका एक यूनिट जो छोटा यूनिट होता है उसको हम बोलेंगे मोनोमर। और बहुत सारे मोनोमर, ये बहुत सारे मोनोमर मिल के बनाते हैं पॉलीमर, मतलब ये बहुत सारे मोनोमर मिल के बनाएंगे पॉलीमर। क्या बनाएंगे, पॉलीमर। तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसको हम पॉलीमर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर। नाउ व्हाट इज पॉली, पॉली क्या है, पॉली मींस मेनी, पॉली मींस मेनी, और मर मींस यूनिट। पॉली मींस मेनी, क्या होता है, पॉली मींस मेनी, मर मींस यूनिट। तो बहुत सारे यूनिट साथ में मिलके एक चेन बनाते हैं, बहुत सारे मेनी यूनिट्स जॉइन टुगेदर
मर्स। आई होप आप लोगों को सिंथेटिक फाइबर ये सेकंड पॉइंट जो हमारा था, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया, सेकंड पॉइंट समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में हम अलग अलग टाइप्स के फाइबर्स देखेंगे जो सिंथेटिक फाइबर्स है, जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, जो मैनमेड बनाए गए। उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रेयन। क्या है? रेयन। बनाई जाती है।
फ्लोर पे जो कारपेट बिछाते हैं वो किससे बनते हैं? रेयन को वूल के साथ, वूल भी ये दोनों किससे मिलते हैं हमको? नेचुरली ये प्लांट फाइबर है, ये एनिमल फाइबर है, ये कॉटन प्लांट में से मिलता है, ये एनिमल फाइबर में से मिलता है जैसे कि गोट शीप वगैरह में से। ओके, तो ये दोनों जो फाइबर्स है उसको रेयन के साथ मिक्स करने से हमको बेडशीट एंड कारपेट मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि हमको बेडशीट का मटेरियल कैसे मिलेगा, कारपेट का मटेरियल कैसे मिलेगा। ओके, तो ये टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर का फर्स्ट पॉइंट था रेयन, वो हम लोग ने कवर कर लिया है। आई होप हम ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि आगे फिर बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो हम आगे का ये थर्ड टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डू वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।